आज हम पढ़ेंगे संवहन पुल वेस्कुलर बंडल के बारे में। अब संवहन पुल क्या होते हैं, कोई जानकारी है आपको? और किस में पाए जाते हैं, मनुष्यों में, जानवरों में कि पौधों में? पौधों में पाए जाते हैं संवहन पुल। अब सामान्य बात करते हैं हम कि जो एक संवहन पुल है वो इस तरीके का होता है, ठीक। एक तो ये बनाया मैंने और आप दूसरा ये देखिए, ये बनाया, ठीक। अब दोनों में क्या अंतर है, पहले जो जरा यहाँ लिख दूँ मैं, ये वाला भाग होता है फ्लोयम और ये वाला भाग होता है जाइलम। इसमें बात करें तो ये, और इसमें भी ये वाला भाग फ्लोयम और ये वाला भाग जाइलम, ठीक। दोनों ही संवहन पुल है, लेकिन यहाँ पर देखो फ्लोयम और जाइलम के बीच में कुछ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये वाला भाग, इसको मैं ऐसे बना देती हूँ, दिख रहा है? जबकि इसमें ऐसी कोई रचना नहीं है। तो जब फ्लोयम और जाइलम के बीच में क्या पाया जाता है, सिंबियम, ठीक। तो ये संवहन पुल कौन से होते हैं, खुले संवहन पुल या ओपन वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोयम के बीच में क्या पाया जाता है, केम्बियम पाया जाता है, तो वो कहलाते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। और जब जाइलम और फ्लोयम के बीच में केम्बियम नहीं पाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, बंद संवहन पुल या क्या कहलाता है, क्लोज वेस्कुलर बंडल, ठीक है। कोई दिक्कत? यानी जाइलम और फ्लोयम के बीच में केम्बियम होता है। अब संवहन पुल कभी कभी इस तरीके के भी दिखाई देते हैं, अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, दो केम्बियम, ये भी क्या है, केम्बियम है, और ये भी क्या है, केम्बियम है, ठीक। यहाँ पर ये फ्लोयम और ये भी फ्लोयम और ये बीच में ये क्या है, जाइलम, ठीक है। कि जब वेस्कुलर बंडल के अंदर क्या होता है, दो केम्बियम पाए जाते हैं, ये वाला, ये ऊपर वाला है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आउटर केम्बियम, क्या कहलाएगा ये, जनरल आप याद रखोगे जब वेस्कुलर बंडल में दो केम्बियम पाए जाते हैं, आसपास फ्लोयम होता है, बीच में जाइलम होता है, और बाहर वाला केम्बियम आउटर केम्बियम कहलाता है, नीचे वाला केम्बियम क्या कहलाता है, इनर केम्बियम। अब दो है यहाँ पर, तो ये जो वास्कुलर बंडल है ये कहलाते हैं स्पाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। ये कौन सा है, कोलेटरल, एक ही वेस्कुलर बंडल है, लेकिन यहाँ पर एक ही केम्बियम है, और यहाँ पर क्या है, दो केम्बियम है, इसलिए क्या हो गया, स्पाइकोलेटरल संवहन पुल या वेस्कुलर बंडल, ठीक है। ये संवहन पुल के प्रकार हैं। अब आप देखो एक यहाँ भी देखिए, इन दोनों में डिफरेंस बताइए आपने,
ये है लोयम और ये है जाइनम। और यहाँ पर ये है जाइनम और ये है फ्लोयम, ठीक है। दोनों लगभग सेम है, पर जाइलम और फ्लोयम की कंडीशन यहाँ पर चेंज है। तो जब जाइलम बाहर की तरफ होता है तो ये कहलाता है एम्फी वेसल, संवहन पुल या वेस्कुलर बंडल। फिर इसी का ठीक अपोजिट देखो, जब फ्लोयम कहाँ है, बाहर की तरफ है, और जाइलम कहाँ है, अंदर की तरफ, ये क्या कहलाएगा, एम्फी क्राइबल या एम्फी क्रिबल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब इसके अलावा एक और है, ये सब क्या है, जाइलम है, और ये बीच बीच में क्या है, यहाँ पर फ्लोयम है लिख रहा है, और ये वाला जो वेस्कुलर बंडल है ये कहलाएगा रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये प्रश्न है आपका संवहन पुल के विभिन्न प्रकार, ठीक है। ये जाइलम और फ्लोयम के बीच में कैम्बियम है तो ओपन वेस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोयम के बीच में जब कैम्बियम नहीं है तो क्लोज वेस्कुलर बंडल, जहाँ पर दो कैम्बियम है, एक ही जाइलम है, दो फ्लोयम है, तो वो कहलाता है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। यहाँ पर देख सकते हो आप कि जब फ्लोयम बाहर और जाइलम भीतर की तरफ हो तो वो कहलाते हैं इन्फिक्रेबल वेस्कुलर बंडल, यहाँ जाइलम बाहर और फ्लोयम भीतर हो वो कहलाते हैं एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल, और जहाँ पर जाइलम और फ्लोयम एक दूसरे के निश्चित त्रिज्या पर है, आप देख सकते हो इनको ऐसे, ये निश्चित रेडियस पे, इसलिए ये क्या कहलाया, रेडियल वेस्कुलर बंडल। समझ में आया। अब इसी